आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप क्या होता है? एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जैसे ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, तो एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल। तो अब हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं कि हमें ये फ्रूट और के प्राइसेस दे रखे हैं और हमें फाइंड करना है कि बनाना का क्या प्राइस है। तो हम एच लुकअप कैसे लगाएंगे? ये आ जाएगा एच लुकअप, बनाना हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास आ जाएगा टेबल एराय। टेबल एराय आ जाएगी पूरा टेबल, ये हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आ जाएगा रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर मतलब हमें प्राइस पता करना है, तो इस रो का क्या नंबर है? इस रो का नंबर है 2, क्योंकि फ्रूट का 1 है और फिर प्राइस का 2, तो ये आ जाएगा 2 और हम कर देंगे एंटर। तो ये आ गया बनाना का प्राइस 10। ऐसे हम ऑरेंज का फाइंड कर सकते हैं और ऐसे हम एप्पल का फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें ये स्टूडेंट के नंबर दे रखे हैं सब्जेक्ट्स के, हमें फाइंड करना है कि जॉन का क्या नंबर है साइंस में। तो हम साइंस पे लगाएंगे एच लुकअप, ये आ गया हमारे पास एच लुकअप साइंस। अब पूरा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे और नंबर क्या होगा हमारे पास? अब हमें साइंस में फाइंड करना है जॉन का ग्रेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये जॉन कौन से रो में है? 2 में, तो हम कॉमा करके लगा देंगे 2, तो ये आ गया 90। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें अप्रोक्सीमेट मैच बताना है। जैसे कि सेल्स हमारे पास ये है और रेट हमारे पास ये है। अब हमें हमें बताना है रेट क्या होगा अगर सेल 2500 हुई तो। हम 2500 इस टेबल में नहीं है तो डायरेक्टली नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें आएगा एच लुकअप, ये 2500 सेलेक्ट हो गया, ये हमारे पास सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। कॉमा, अब हमें रेट निकालना है, रेट है रो 2 में, तो ये आ जाएगा 2। और रेंज लुकअप में या तो ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच एंड फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच तो इसमें मिलेगा नहीं, तो हम लगाएंगे इसमें ट्रू और हम कर देंगे एंटर। तो ये आ गया हमारे पास 0.07, विच इज 7%, विच इज एन अप्रोक्सीमेट मैच। अब एक लास्ट एग्जाम्पल से हम और अच्छे तरीके से सीख लेंगे। जैसे ये सिटी है और ये टेम्परेचर है। अब हमें फाइंड करना है टेम्परेचर चेन्नई का क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एच लुकअप, ये आ गया चेन्नई, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया और हमने टेम्परेचर है सेकेंड रो में, तो देयरफॉर सेकेंड रो, और फॉल्स एग्जैक्ट मैच अगर हमें करना है तो ये हो गया एंटर। तो ये आ गया 34 डिग्री सेल्सियस है चेन्नई का। अब हमने हमेशा दो रो तक ही किया है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड रो भी आ गई। अब हम टेम्परेचर सेकेंड डे आ गया, तो ये आ गया 36, 37 और 35। अब हमें चेन्नई का फाइंड करना है टेम्परेचर ऑन द सेकेंड डे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम करेंगे एच लुकअप, चेन्नई हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद जो रो इंडेक्स नंबर है वो टेम्परेचर सेकेंड डे पे है थर्ड रो में, तो हम करेंगे कॉमा 3 एंड कॉमा फॉल्स कर लो, या आप एंटर दबा दो तो भी आ जाएगा, वो फॉल्स ऑटोमेटिकली ही ले लेता है। तो ये आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही हम एच लुकअप को बहुत ज्यादा लार्ज डेटा में भी यूज कर सकते हैं, छोटे डेटा में भी यूज कर सकते हैं, बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे पास बेसिक्स एच लुकअप के। इफ यू हैव एनी डाउट्स या कुछ भी आपको कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आई विल सॉल्व दैट।